पूछा गया इनको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। ही इज फाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ खालसा और द फाइव केस, तो प्रिंसिपल ऑफ खालसा या फाइव केस को उन्होंने फाउंड किया था। बहादुर शाह वॉज द कंटेम्प्रेरी मुगल रूलर एट द टाइम ऑफ खालसा एस्टेब्लिशमेंट, तब बहादुर शाह रूल कर रहे थे। हिज लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग द जाप साहिब, बेंती चौपाई एंड अमृत सवाय। तो यहां पे आपको उनके लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बता रखे हैं। सोचे क्या आंसर होगा, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए, तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने, श्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी को अपनी जो आप कह सकते हैं उनके सामने नमन किया है प्रकाश पर्व के उत्सव पे, और ये उन्हीं की याद में ही सेलिब्रेट किया जाता है जो आपका प्रकाश पर्व है। ठीक है, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने प्रकाश उत्सव के बारे में भी जाना था। प्रकाश उत्सव जो है वो गुरु नानक देव जी से एसोसिएट करता है, प्रकाश पर्व जो है वो आपका गुरु गोविंद सिंह जी से एसोसिएट करता है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज प्रकाश उत्सव और प्रकाश पर्व के बीच में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो प्रकाश उत्सव हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, और ये आज हम प्रकाश पर्व के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तब भी जो नरेंद्र मोदी थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने नमन किया था, और आज भी ये किया है। और बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, अदरवाइज भी बिकॉज इट इज अ हिस्टोरिकल इवेंट, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ही हैज फाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ खालसा, तो यहाँ पे यस गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में ये जो स्टेटमेंट दे रखी है बिल्कुल करेक्ट है। फाइव केज हो, प्रिंसिपल ऑफ खालसा उन्होंने ही यहाँ पे वो लेके आए थे, और उनके लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर जो नाम दिए हैं, बेंती चौपाई है, जाप साहेब है, अमृत सेवाएं हैं, ये सभी इंक्लूडेड है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो उनके टाइम पर औरंगजेब जो थे, औरंगजेब वॉज द कंटेम्प्रेरी मुगल रूलर एट द टाइम ऑफ खालसा एस्टेब्लिशमेंट, 1699 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह जो थे इनका जन्म हुआ था, शुरुआती नाम था गोविंद राय, बाद में गुरु गोविंद सिंह के नाम से जाना जाने लगा और सिखों के गुरु बने। यहां पर एक चीज जानने वाली और भी है, दैट उनके जो फादर थे एज वेल एज नाइन्थ गुरु जो थे, गुरु तेग बहादुर जी, उनको बीहेड कर दिया गया था मुगल एम्परर औरंगजेब के द्वारा, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को एम्ब्रेस करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो ध्यान रखिएगा, आपकी जो हिस्ट्री है आपका मिडिवल हिस्ट्री जो रहने वाला है वहां पर आपको ये चीज हेल्प कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, इनकरेक्ट हो जाती है। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। बी आपका आंसर हो जाएगा, प्रकाश पर्व एसोसिएट करता है बर्थ एनिवर्सरी, जो जन्मदिन है गुरु गोविंद सिंह जी का उनसे, और इसी तरीके से प्रकाश उत्सव गुरु नानक जी के जन्मदिवस से, उनकी बर्थ एनिवर्सरी से एसोसिएट करती है, और काफी धूमधाम से इसे मनाया भी जाता है। चलो